वर्तमान बड़ खबर आसुची सामुद्रिक झड़ यश को नहीं जे सामुद्रिक झड़ जिते निकटतर हमारे लगी तो तार निर्दिष्ट केउठार ता स्थलभाग स्पर्श कर से नहीं कि अधिक सठिक सूचना वर्तमान आसुची पानीपाग विभाग तरफ जे पारादीप ठारु पूर्व सागर द्वीप कहला वर्तमान पारादीप ठारु बालेश्वर भितर ता स्थलभाग स्पर्श कर एक कथा खबर आसुची आम जा अधिक सूचना नवा आवश्यक जोड़ी होती पानीपाग विशेषज्ञ आरके जेनामणि श्रीत जेनामणि आपको बहुत बहुत स्वागत जानवाक चाहिए आपण जे वर्तमान जो अपडेट आसुची जे पारादीप ठारु बालेश्वर भितर ता स्थलभाग स्पर्श कर कौन अच्छी अधिक सूचना आप देखो आज जो इलेवेन फैक्ट्री रो जो अपडेट आसी से अनुपात रे हमें लैंडफॉल दे छु अराउंड बालेश्वर आउ तापरे टाइमिंग दे छु मध्याह्न जो 26 तारीख आउ हमरा जो उत्तर ओडिसा कोस्ट आउ पश्चिम बंगर जो कोस्ट रहिला बा तटीय क्षेत्र से हमरा जो 26 तारीख अर्ली मॉर्निंग तार अर्थ होला जे 4 रु 6 2:30 रु 6 एएम बहुत अर्ली मॉर्निंग रे पहुचिबो तटीय क्षेत्र रे आउ तापरे लैंडफॉल करबो मध्याह्न रे अराउंड बालेश्वर बालेश्वर पाखापाखी आउ आमे कहिचु पारादीप रु सागर आइलैंड भितरे बालेश्वर पाखापाखी लैंडफॉल करिवो 26 मध्याह्न रे आज ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अति भीषण बात्या रूपरे आउर विंड आमे जो कहितिलु 150-165-185 किलोमीटर लैंडफॉल समय रे हबो पर्टिकुलरली हमर जो डिफरेंट जिला रहिला से जिला उडिक जो आमे देइथिलु आमे बालेश्वर भद्रक आउ तापरे हमरो मेदनापुर डिस्ट्रिक्ट मेनली यही जिले रे सबटु अधिक विंड स्पीड रहइबो ता सहित केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर केउंझर कटक एतरे भी विंड स्पीड रहइबो 140 रु 150 160 किलोमीटर आउ तापरे वर्षा ऑलरेडी आरंभ हे जाई छी ए साइक्लोन यस रो जो वर्षा जो बादल तारो आउटर क्लाउड रीजन जो ऑलरेडी वर्षा आरंभ हे जाई छी आउ काली होची हेवी रु वेरी हेवी रेनफॉल हबो जो आमर उपकूलवर्ती जिला गुड़िक रहिला खोर्धा पुरी तापरे आमर रहिला जो जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर आ 26 तारीख रे अति प्रबल भीषण वर्षा हेबार संभावना अच्छी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज एवं आमर पश्चिमबंग मेदनापुर डिस्ट्रिक्ट आउ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट रे ता सहित आमर जो रहिला खोर्धा आ पुरी आ ता सहित ढेंकानाल आ देवगढ़ एतरे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हम 10-20 सेंटीमीटर 26 तारीख रे आ पवन मु जो कथा कहली पवन भी पुरी आ कटक ता सहित ढेंकानाल आ हमर जो रहिला अभ्यंतरण से भी विंड स्पीड 26 तारीख रे 80 रु 90 110 किलोमीटर एई पर ओके सो तो जनाबली अर्थात जो कथा पूर्व रु कहा जाउतला जे 26 तारीख संध्या रे या स्थलभाग स्पर्श करिवो वर्तमान अपन जो कथा कहले मध्याह्न को ता वर्तमान मध्याह्न रे स्थलभाग स्पर्श करिवो तो पवन रो जो बेग जो कथा अपन कहले जे जो कथा पूर्व रु कहा जाय 185 पर्यंत रहिवो 170 पवन रो बेग रहिवो तो एटा केते बेळ ठारु आरंभ हबो एवं बात्या स्थलभाग स्पर्श करिवार केते समय पूर्व रु ए पवन रो बेगटा बढ़िवो एवं बात्या स्थलभाग स्पर्श करिवार केते समय पर्यंत रहिवो देखो 24 तारीख आज नाइट रु जो 40-50-60 किलोमीटर गस्टिंग जो सीता आरंभ है जो उपकूलवर्ती जिला गुड़ी करे तो काली जो नाइट रे हमर आमे जो देछु से बढ़ी की 60-70-80 किलोमीटर आसीबो जो जिला कथा मु कहतली जे पुरी तापरे खोर्धा तापरे ए सब उपकूलवर्ती जिला बात्यार प्रथम जो आसीबो विंड स्पीड रे संध्या रे काली ता सहित केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केउंझर ए सब आसीबो काली संध्या रे परदिन सकाल पर्यंत से स्पीड बढ़ी की आमर 90 रु 120 145 हबो खोर्धा पुरी ता सहित आमर साउथ आ उत्तर 24 परगना आ मेन जो बात्यार जो रहउछि लैंडफॉल पाठापाखी एरिया जो हला जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर बालेश्वर मयूरभंज ए एरिया रे आमर बढ़ी की जो मध्याह्न जो कहला सेथिरे आमर विंड स्पीड जो अच्छे 150-165-185 पहुँचव तेणु आफ्टरनून संध्या पर्यंत इवनिंग पर्यंत लैंडफॉल कम्प्लीट होगा पर्यंत पवन दिग रहइबो आ सबुठार गुरुत्वपूर्ण होगा आमर जो समुद्र जो जुआर से समुद्र जुआर आम देचु भी से आमर आसुची मेनली जो देचु आम 2-4 मीटर आम देचु से अधिक आसुची पश्चिम बंगर डिस्ट्रिक्ट कारण तार उत्तर पश्चिम दिगरे जुआर अधिक होइतिबो जेतु बात्या जो स्थलभाग छुईब उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे कूल अतिक्रम कर तार उत्तर पश्चिम जुआर आम देचु अधिक डिस्ट्रिक्ट आमर जमी 24 परगना मेदनापुर
ଝରଗ୍ରାମ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 2-4 ମିଟର ହେଇପାରେ। ଏ ଯୋଉ ଜୁଆର 2-4 ମିଟର ଆମେ ଦଉଛୁ ଏଟା ଏଭବ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ଷ୍ଟାଇଲ, ତା ମାନେ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତିକି ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବ ତା ଉପରେ 2-4 ମିଟର ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର। ଇଏ ଯୋଉ ଜୁଆର ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ କହିଲି 150, 165, 185 ଯୋଉ ଗାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରହିବ। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି କୁହାଗଲା 20-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର 26 ତାରିଖରେ ହବ, 25 ତାରିଖ ନାଇଟ୍ରେ ବି ଏ ଯୋଉ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଏରିଆ ହେଲା ଜେନାମଣି। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଇସମେ ଅଭି ଲୋକାଲ କସନାରୀ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର 3 ଜାରି ହେ, ବଟ୍ ଅଭି ଏ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ ହୋଗା, କ୍ୟୁକି ଜବ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅର୍ ଭି ନଜଦିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଏଗା। ଅଭି ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭି ଅଲରେଡ଼ି ଦେ ଚୁକା ହେ, ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ହମାରା ବାଜେ ସେ ମେନଲି ଜ୍ୟାଦା ଲସ୍ ବି ହୋତା ହେ, ଇନାଣ୍ଡେସନ୍ ହୋତା ହେ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ ମେ, ତ ଇସମେ 2-4 ମିଟର ତକ ବାଲାସୋର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଯୋ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ସି ସୋର ଏରିଆ ହେ, ଇସମେ 2-4 ମିଟର ତକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ଟାଇଡ କା ଉପର ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ତ ଏଇ ହେ ଆମର ଅଭି କା ଅପଡେଟ, अभी हम लोग मॉनिटरिंग में हैं, डेली अपडेट हम लोग देते रहेंगे। सर आप लोग कह रहे हैं कि बालेश्वर में लैंडफॉल होगा, नहीं अराउंड बालेश्वर 26 तारीख को कितने बजे से ये प्रोसेस शुरू होगा? 26 तारीख को अराउंड नून बोला है आपका दोपहर, मतलब कितने बजे से हम ले सकते हैं? हाँ अराउंड नून आप होता है और 11 बजे से स्टार्ट होता है, हमारा नून का जो डेफिनेशन जो है उसके 11 बजे से 1 बजे तक इसका अराउंड नून का जो आप बोल सकता है इस टाइम का आपका, अभी अराउंड नून बोल रहा है इसमें आपका 10 बजे से 2 बजे तक ये भी आप विंडो मान सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अराउंड 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 नून बोल रहा है सबसे अच्छा है। सर कटक भुवनेश्वर के लिए क्या स्पेसिफिक है? कटक भुवनेश्वर में भी हमारा बारिश होगा, कटक में बारिश ज़्यादा रहने का चांसेस है भुवनेश्वर से, और भुवनेश्वर में भी हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। भुवनेश्वर में काली रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा होने का चांसेस है, नेक्स्ट डे थोड़ा कम होने का चांसेस है। हाँ बारिश ऑलरेडी आज सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में बारिश होगा, ये अभी हमारा दूर का जो आउटर बैंड होता है क्लाउड का, ये सेंटर का, ये सेंटर से बहुत दूर है अभी, बट अभी हमारा मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में जो भी सिस्टम होता है उसका एरियल एक्सटेंशन ज़्यादा होता है रेनफॉल वाइज, तो इसलिए रेनफॉल एक्टिविटी अभी ऑलरेडी सिस्टम हो रहा है उसी का आउटर बैंड में हो रहा है, मेन जो कोर एरिया है साइक्लोन का वो अभी दूर में ही है। भुवनेश्वर कटक में हमारा मैक्सिमम हमने बताया आपका 155-165 गस्टिंग 185 अराउंड द लैंडफॉल, अभी ये लैंडफॉल पॉइंट का ऊपर डिपेंड करते हैं, बट अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में जैसे आपका खुर्दा डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ हमारा बुलेटिन में जो लेटेस्ट बुलेटिन में जो आ रहा है इसमें 90-120 इस तरह से खुर्दा में कुछ कुछ जगह में जा सकता है, तो भुवनेश्वर हाँ 90-120 इसमें हमारा बुलेटिन में लेटेस्ट बुलेटिन में आ रहा है, बट इसमें आपका खुर्दा का अलोंग द कोस्टल एरिया बोल रहा है, बट भुवनेश्वर में इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है हाँ, जो वो मोस्टली हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्ट मेनली विंड स्टॉर्म सर्ज हैवी रेनफॉल और मेनिंग तीनों ही कंसीडर किया जाए तो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग भी देखने से देखेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट बालासोर भद्रक जाजपुर सॉरी बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर इसमें सबसे ज़्यादा विंड का भी ज़्यादा है वार्निंग, स्टॉर्म सर्ज का भी है और रेनफॉल का भी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेनफॉल का है। मोस्टली आपका जो ये सबसे ज़्यादा अभी जो ये हो रहा है इफेक्टिव तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, क्योंकि एक एक जगह का इम्पैक्ट आ रहा है एक एक का ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा मयूरभंज आपका केवंझर उस तरफ हिल एरिया है तो उसमें आपका रेनफॉल एक्टिविटी मयूरभंज में भी हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग है तो इम्पैक्ट तो रहेगा। सर आपका जो विंड स्पीड का फोरकास्ट दिया गया है 25 तारीख को रात 11:30 बजे तक,
आप थोड़ा देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। 25 तारीख रात 11:30 बजे तक विंड स्पीड दिया गया है, फोरकास्ट किया गया है 155 टू 165, गॉस्टिंग स्पीड 185। ये क्या समुद्र में नहीं, आप तो वो को ये का बोल रहे हैं ना? हाँ, आप सी एरिया का बोल रहे हैं आप? हमारा 26 तारीख 11:30 बजे, हाँ, तो 25 तारीख रात 11:30 बजे तक क्या समुद्र में ये इतना जोर से? समुद्र में अभी भी बहुत तेज हवा है, धीरे धीरे अभी भी इंक्रीज होगा समुद्र में। तो आपका जैसा हमारा आप याद रहेगा अम्फन जिसमें हिट किया उससे समुद्र में और भी ज़्यादा था, सुपर साइक्लोन था। ठीक है, समुद्र में तो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, लैंडफॉल का बाद तो फिर इंटेंसिटी कम हो जाता है। उड़ीसा का बालासोर अराउंड बोल रहा है अभी, बालासोर अराउंड का, बालासोर बहुत आपका वेस्ट बंगाल का भी नज़दीक में ही है, हमारा साउथ का चांदबाली, हमारा पारादीप इसका नज़दीक में है। तो अराउंड बोल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल अराउंड मीन्स बालासोर के अराउंड भी मोस्ट प्रोबेबल है। रेंज बताया जगत सिंहपुर टू हमारा सागर आइलैंड, इतना रेंज है। रेंज का अंदर मोस्ट प्रोबेबल जो बोल रहा है बालासोर का अराउंड, तो बालासोर का नीचे भी हो सकता है, बालासोर का ऊपर भी हो सकता है। अभी और भी इतना ही है। ठीक है, अभी कितना मूवमेंट है, जो यस का मूवमेंट क्या है? जो अभी 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 स्लो मूवमेंट है, अभी आपका लास्ट 6 आवर है जो मूवमेंट 4 किलोमीटर पर आवर है, बट धीरे धीरे मूवमेंट अभी कुछ घंटे ये आज कुछ दे ये आज दिन के लिए मूवमेंट स्लो ही रहेगा जैसा हमारा ये है, बट उसका बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगा मूवमेंट। नून है आपका बारह, तेज हवा बारिश कितने देर तक बालेश्वर और जो चार डिस्ट्रिक्ट में चला रहेगा? नहीं देखिए, अभी हमारा जो ट्रैक है नून, जिस समय लैंडफॉल करेगा उसी का दो लैंडफॉल का एक पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता है, लैंडफॉल एक प्रोसेस होता है, लैंडफॉल प्रोसेस दो घंटा 3 घंटा कभी कभी 4 घंटा भी होता है। हाँ नहीं, 11 बजे आप मत डिफाइन कीजिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन नून मीन्स आपका एग्जैक्ट नून बोलने से 12 बजे का अराउंड होता है, तो उसी का अराउंड में कब 11 बजे शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 12 बजे शुरू हो सकता है। तो इसमें प्रोसेस जब शुरू होगा, शुरू का पहले ही विंड धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, जैसा हमारा आपका फोनी का याद होगा, आपका हमारा भुवनेश्वर में फोनी लगभग 12 बजे का इस समय पास किया था हमारा भुवनेश्वर का पास से, तो उस समय आपका विंड स्टार्ट हो जाएगा तो 10:30 बजे, फिर हमारा चला था 3 बजे तक। तो इसी तरह से आपका उस समय जो मूवमेंट साइक्लोन मेनली क्या होता है, आपका एक साइक्लोन का जो सेंटर का जो मन पार्ट जो 100 किलोमीटर रेडियस आप बोल सकते हैं, जो प्रोसेस जो कवर करने का जो टोटल आपका डायमीटर, तो 100 बा 50 कभी 60 50 नॉर्मली 50 किलोमीटर तो है ही, एक 50 किलोमीटर रास्ता जैसा आपका एक ट्रेन जाता है जब स्टेशन से, हम लोग ये में बचपन में ये मैथ्स कर चुका है जो एक ट्रेन एक स्टेशन निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करता था प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन का लेंथ दोनों कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी आपका साइक्लोन का जो टोटल वो जो है प्लस एक समय ये करने के लिए उतना जो टाइम लगता है उसमें ही 2-3 घंटा लग जाते हैं। तो जब शुरू होता है उसका पहले से ही विंड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम विंड का जो आपका रेडियस होता है मैक्सिमम एक जो सेंटर से मैक्सिमम विंड का सेंटर में बिल्कुल आपका विंड नहीं होता है, बहुत कम विंड होता है। अब हम फिर फोनी का याद दिला रहा हूँ, जब फोनी का टाइम में देखिए आपका 11:30 से 12 बजे तक लगभग इस समय विंड बहुत कम था, उसका बाद फिर इंक्रीज करना शुरू किया। तो उस समय वो मीन्स हमारा नज़दीक से सेंटर जा रहा है, क्योंकि सेंटर में विंड क्लाउड फ्री इवन पूरा लगेगा जो आपका आसमान साफ हो गया, पूरा क्लियर हो गया वेदर ऐसा भी लगता है। तो उसमें आपका स्लो मूवमेंट होने से और पता चलता है सिस्टम का, तो जब सेंटर पास होता है तब आपका ये प्रॉब्लम ये होता है, फिर उसका बाद फिर स्टार्ट हो जाता है वेदर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप शुणुते चार विश्वास भुवनेश्वर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक से जो भाव में सूचना रखुते जो भाव में तथ्य रखुते जे बालेश्वर पाखरे बालेश्वर आखपाखे स्थलभाग को स्पर्श कर यस, किंतु तार पूरा सठिक स्थान निरूपण बर्तमान भी करना कारण एवं समुद्र भितर
आहुरी भयंकर रूप नवार अच्छी भीषण सामुद्रिक झड़ रूप नवार अच्छी जिते निकटतर हम स्थलभाग को भूभाग को सेते तार सठिक आकलन अर्थात आसंता काली सुधा तार सठिक आकलन करूचाई देखते डॉक्टर एच आर विश्वास जो भाई भाव में कहते यार प्रभाव में वर्षा आरंभ होकूलवर्ती जिलागुड़िक वर्षार प्रकोप जारी रेते समय बीतब जिते पाखे आसब बात्या स्थलभाग स्पर्श कर समय वर्षार प्रकोप बढ़ आसंता काली संध्यारु पवन प्रकोप बढ़ उपकूलवर्ती जिलागुड़िक खास कर जो चारिटी जिला कथा कहुई बालेश्वर भद्रक जगत सिंहपुर और केन्द्रापड़ा ये चारिटी जिलार सर्वाधिक पवन और वर्षार प्रकोप देखा मिल तो से दृष्टि लोक मानक सचेतन कर समुद्र जुआर मध्य 4 मीटर अधिक पर्यंत जापे 185 किलोमीटर बेग पर्यंत पवन बही पारे एवं ए चारिटी जिला व्यतीत अन्य उपकूलवर्ती जिला पुरी रहिला खोर्धा रहिला ढेंकानाल रहिला जाजपुर रहिला ए सब जिलागुड़िक मयूरभंज केन्दुझर ए जिलागुड़िक वर्षा एवं पवन प्रकोप किंतु सर्वाधिक चारिटी जिला बालेश्वर भद्रक जगत सिंहपुर और केन्द्रापड़ा बालेश्वर आखपाख अंचल स्थलभाग स्पर्श कर एक स्पष्ट भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आगक यस संपर्कित अपडेट खबर ताजा खबर आपण पहुंचाइबे किंतु समय हो कार्यक्रम आउ गोटे छोट विरति तो बालेश्वर आखपाखे स्थलभाग स्पर्श कर सामुद्रिक झड़ यस एक पाणीपाग विभाग तरफ किसी समय ते जहाँ सर्वश्रेष्ठ सूचना आसी पूर्व जो कहला पारादीप्रु सागरद्वीप एत दूर जीवन नहीं बालेश्वर आखपाखे ही स्थलभाग स्पर्श करु तार पूरा सठिक स्थान आसंता काली जिते भीषण सामुद्रिक झड़ रूपातरित हो आहरी स्थलभाग निकट को आसब से तार प्रकृत पूरा सठिक स्थान निरूपण कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जो भाई भाव में सूचना दूसरे निर्देशक डॉक्टर एच आर विश्वास एवं एक चारिटी जिलार सर्वाधिक प्रकोप रूर्वर मैं कहला बालेश्वर भद्रक जगत सिंहपुर आउ केन्द्रापड़ा जिले एवं यह सहित अगर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक जो रही पुरी खोर्धा आउ रही भद्रक रे तो सर्वाधिक प्रभाव रहा जाजपुर रहा ढेंकानाल रहा केन्दुझर रहा मयूरभंज रहा एठी वर्षा सहित पवन रेग अधिक रमें आपण को बारंबार कही रखा चाहिए जे ये हमें आपण को देखा जे आप जो इमेज देखिपुट सैटेलाइट इमेज जहाँ रही जो भाई भाव में बात्या कि भाव में गति कर समुद्र भितर अच्छी बात्या धीरे धीरे आग को बढ़ुची स्थलभाग निकटवर्ती हो पारादीप 540 किलोमीटर दूरतार जहाँ सर्वशेष सूचना दि जाइला भाव में बात्या आगक बढ़ देखुं आम आपण को देखा जे बात्या भाग में बर्तमान बंगोपसगर बात्यार स्थित आप देखुं बात्या धीरे धीरे आगक बढ़ स्थलभाग स्पर्श कर 26 तारीख मध्यान पूर्व कह 26 तारीख राति बा संध्या बेलू स्थलभाग स्पर्श कर किंतु एबे पूरा जो भली भाव पूर्वानुमान करा मध्यान ही स्थलभाग स्पर्श कर अर्थात 11टा 12टा समय स्थलभाग स्पर्श कर तार पूरा एग्जाक्ट टाइम बा तार पूरा सठिक समय केतेबेले सेटा आसंता काली स्पष्ट कर दिया जिवो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आम आपको लगातार ये जो चित्र आप देखुं ये चित्र मध्यम आम आपको देखा जे ये भाव में बर्तमान बंगोपसगर में सामुद्रिक झड़र स्थित रही स्थलभाग आड़ कि धीरे धीरे गति करुँ बल संग्रह करतमान केवल सामुद्रिक झड़े स्थिर रही आग को यह भीषण सामुद्रिक झड़र रूप नब एवं स्थलभाग आड़ मुहाइब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर बालेश्वर निकट रे स्थलभाग स्पर्श कर एक कथा आज स्पष्ट कर दि जाए कि किस समय ते भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ जिते आग को बढ़े अधिक शक्तिशाली हमारे लगे अधिक बल गोटे सामुद्रिक झड़ यस
तो इस संपर्क में अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती मो सहयोगी विभूति भूषण विभूति जानवा चाहिए जे वर्तमान जो सूचना दिगला जे निर्दिष्ट सूचना आसीगला बालेश्वर पाखे लैंडफल कर स्थलभाग स्पर्श कर संध्या नुहे मध्यान स्थलभाग स्पर्श कर तो पाणिपाग विभाग तरफ आउ कौन विस्तृत भाव में कहा जाए निश्चित भाव शक्ति साई जहाँ देखुचे यस यस प्रभाव कौन रोठ लैंडफल कर किभली भावे शक्तिशाली हेबो आउ तार आकार किभली रहबो एहा उत्सुकता रहिछन्ति सारा ओडिशावासी सारा विश्ववासी भारतवासी आउ एथिपाई राज्य सरकार नुहे केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री समस्त एहा उपर फोकस करछन्ति आउ ए यस रो प्रभाव कोन रहबो ये देखंतु साइक्लोनिक स्टॉर्म यस ए किभली भावे तार भयंकर रूप संध्या सुधा 5:30 सुधा मध्य ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नेब ये 24 तारिख रो 5:30 बेलू समुद्र भितर साइक्लोन स्टॉर्म रो रूप नेब और परवर्ती पर्यायर 25 तारिख रे भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म आहुरी रूप नेब भयंकर रूप पड़ब आ जार रेडियस रोचे बर्तमान समुद्र भितर 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति अच्छे रेडियस धीरे धीरे आकार वृद्धि पाइब और जहाँ कहु जो एचआर विश्वास कहते हैं आंचलिक पाणीपाग निर्देशक कहते हैं यह 50 रु 100 किलोमीटर डायमिटर रहा जहाँ डायमिटर बा चौड़ा रहा किभली भाव से स्थलभाग को छुईब ये हूँ जगत सिंहपुर ठू सीधा सड़क जो जो बालेश्वर आखपाख अंचल स्थलभाग छुईब आई बर्तमान जहाँ IMD इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट बा केन्द्र सरकार जो मंजूर सीधा सह कहते 25-24 तारीख जो भी देखुं बर्तमान 70-80 किलोमीटर गोस्टिंग हम 90 किलोमीटर पर्यटन छुईब पवन रेग ये साइक्लोन स्टॉर्म रूप नहीं सारी समुद्र भितर 24 तारीख अपराह 5:30 बेल को ये 80-90 किलोमीटर गोस्टिंग हम ये 100 किलोमीटर पर्यटन किलोमीटर पवन रेग हम ये साइक्लोन स्टॉर्म रूप ने 24 तारीख ये जिते राति संध्या राति पुणी 90 रु 100 किलोमीटर और घंटा प्रति 110 किलोमीटर पर आवर ये गोस्टिंग स्पीड और सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म आसंता काली 25 तारीख 105 रु 115 किलोमीटर 125 किलोमीटर गोस्टिंग रही है भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म रोज जिते 25 तारीख अपराह आसी संध्या बेलू आहरी तार भयंकर रूप नब शक्ति साई 155 रु 165 किलोमीटर गोस्टिंग मैक्सिमम 185 किलोमीटर पवन बहुत घंटा प्रति आउ भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म रो बोली IMD पक्षर आकलन कर पूर्वानुमान कर सैटेलाइट मध्यम नियोजे और राडार मध्यम लोकेट करने को बर्तमान जो डिटेक्ट हो जेहतु 450 किलोमीटर जो जो रही 540 किलोमीटर रोच साउथ साउथ पारादीप रोचे ये देखो आखि रोच कि भाव तर जो रेडियस हिसाब से बर्तन जो जगह बर्तन मुवमेंट करुच्ची ये समुद्र भितर स्लो रोचे जमी फनी समय समुद्र दीर्घ समय रही जहाँकि भयंकर रूप नहीं और धीरे धीरे तार रूप आकार परिवर्तन कर जो समय से साइक्लोन स्टॉर्म भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म रूप नब ये स्थलभाग को छुईवा समय तार प्रकोप बढ़िवार संभावना रही आकलन कर जो भाव 26 तारीख अपराह समय कहला एवं पूर्वाहर जो 12 समय 11-12 3 पर्यंत टाइम ड्यूरेसन मध्य ये लैंडफल कर जगत सिंहपुर आरंभ कर पारादीप ठू आरंभ कर सगर आइलम और पखापाखी बालेश्वर जो अंचल रही पखापाखी से ही अंचल देखिए कर लैंडफल कर संभावना रही जहाँ पूर्वानुमान रही जहाँ पूर्व आकलन कर गत काली आज सठिक भाव कह ये आहरी स्पष्ट चित्र आस शक्ति साई जिते बड़े आसंता काली सुधा आज राति सुधा आहरी स्पष्ट पिक्चर आसीजी जे एक्जाक्टली जोटी आकलन करता से पखापाखी से लैंडफल कर से अंचल कि लोक मैंने सुरक्षित अंचल रे बात्या आश्रयस्थल जी और कचा घर सीधा सख दूर को कि सेफ्टी रे हूँ मेजर काम और घर बाहर को परामर्श न बाहर को परामर्श दि जाऊँच जेहेतु समुद्र अशांत रोचे आ वर्षा आरंभ हो विशेष भाव उत्तर ओडिशा जगत सिंहपुर कहतु पारादीप कहतु केन्द्रापड़ा कहतु बालेश्वर कहतु भद्रक कहतु चांदवाली कहतु ये सब अंचल बर्षार प्रकोप है धामरा ठार कहतु जो पवन प्रकोप बढ़ला धीरे धीरे और समुद्र विशेष भाव अशांत रोथ्वर से बंदर मध्य 4 नंबर विपद संख दि जाए जहाज मन को प्रत्याशर भितर को जीवाक परामर्श दिखाई जेहेतु डेंजरिंग विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि लोक मैंने कचा घर सुरक्षित स्थान को दिंतु साधारण लोक गाड़ी बा साइकिल यातायात न करने परामर्श दि जाए जेहेतु पवन रेग धीरे धीरे बढ़ो आज सन्या प्रकोप तार आरंभ हो जो जिते शीघ्र स्तर को आसब तार बल अधिक जुटेबार संभावना रही अधिक शक्ति संभावना रही जहाँ पूर्वानुमान IMD पक्ष कहु ये बर्तन समुद्र भितर अच्छी समुद्र 25 तारीख जिते
अधिक शक्तिशाली हे ये भेरी सीभीयर साइक्लोन स्टॉर्म रूप और 26 तारीख दिन स्टॉर्म आस धक्का देव ये ओडिशा उपकूल देखि जाऊँ पाखापाखि 80-100 किलोमीटर रेडियस रोचे जोटा आप देखते भुवनेश्वर संलग्न कटक रोचे भुवनेश्वर रोचे जगत सिंह रोचे केन्द्रापड़ा रोचे भद्रक रोचे बालेश्वर रोचे और सगर आइसलैंड सगर द्वीप ये हूँ सुंदरबन जो मैप कौच ये सुंदरबन बा पश्चिम बंग रोचे तार निकट सन्धिकट देखि जाकि सीधा सड़क से सी कट लाइन को जो जो कोस्टल लाइन को क्रॉस करी धीरे धीरे से मयूरभंज क्रॉस कर जाजपुर क्रॉस कर केन्दुझर क्रॉस कर यह आसिक जमशेदपुर जीव और धनबाद पर्यंत तार रेडियस पहुँचवार अच्छी जहाँ पूर्वानुमान कर 27 तारीख पर्यंत इफेक्ट प्रबल वर्षा हे अति प्रबल वर्षा हे उत्तर ओडिशा अधिक प्रभावित हो उपकूल ओडिशा प्रभावित हो विशेष भाव भुवनेश्वर मध्य 90-120 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति पवन बोहार अच्छी गोस्टिंग स्पीड जो झटका पवन कहुवा धक्का भरी पवन सी अनुभूत हे लोक मैंने घर न बाहर परामर्श दी सुरक्षित स्थान रहा परामर्श दी आई समय किभली भाव लोक निजी सजग रे सतर्क रे सुरक्षित रे ही प्राथमिकता रही केन्द्र सरकार रही बारंबार बैठक कर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह कर प्रधानमंत्री समीक्षा करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान करपुर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक होता है रेलवे मिनिस्टर थे कि भाव बंदर मध्य सतर्क सूचना लोक मैंने कि सुरक्षित प्रथम जेहतु दुई दुईटा चैलेंज रोचे कोरोना महामारी चली एपटे बात्यार प्रकोप दुई दुईटा चैलेंज को लोक मैंने कि भाव मुकबिला करेंगे जेहेतु ओडिशार चिरसाथी रही बंदिया बात्या आत्या कि लोक मैंने निजक सजग करेंगे यह पूर्व मध्य अर्गस तार इनिशिएटिव नहीं पूर्व लोक सचेतन कर लोक मैंने सामिल होते हैं केन्द्र सरकार ए दिगरे फोकस कर राज्य सरकार सामिल होती जेहेतु लोकों कथा हो बात्या आश्रयस्थ रे सुरक्षित रखे आ जो ये जो रूप देखुं कि भाव जीव ये प्रवेश कर झटका मार धक्का देव स्तवा को छुईब यह ही विभूति भूषण रणा मो सहयोगी जो भाव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन माध्यम रे बुझाई देले जे बात्याटा वर्तमान स्थिति कौन रही केमती से आग को बढ़ कौ अंचल तार परिसरभुक्त हेब आम आपको आहरी बात्या संपर्कित ताजा खबर जहाँ आसूसी आम आपखे पहुँचाइबु किंतु वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बात्या संपर्क में सूचना देखते वीडियो बार्ता आसतु शुणा कौन कौन प्रिय भाई भौनी माने नमस्कार सारा मानव जाति वर्तमान एक कष्टकर समय दे गति करुछि गत एक वर्ष रु अधिक समय धरी कोविड विरोध रे हमर लड़ाई जारी रही वर्तमान आहरी एक विपद साइक्लोन यास आम पाई एक बड़ चैलेंज हो एक समय रे दुई दुईटी बड़ विपद साइक्लोन और कोविड रो मुकाबला आम को करबा को हेबो गत वर्ष मे मास रे मध्य आमे कोविड सो साइक्लोन अम्फान रो सामना करथिले आपन मान को सहयोग रे आमे सफलता सो से परिस्थिति रो मुकाबला करथिले बात्या ओडिशा पाई नुआ नुए तथापि आम को सावधान रहिबा को हेबो सामान्य हेला बड़ विपद सृष्टि करिपारे सरकार बात्या और कोविड दुईटी जाक परिस्थितिर मुकाबला पाई संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा आपण मानक सहयोग ही अमर प्रस्तुति को आहुरी मजबूत करिबो 4.5 कोटी ओडिशावासी होती मोर परिवार मोर परिवार रो निरापत्ता मो पाई सबुठ बड़ प्राथमिकता प्रत्येक लोग को निरापद स्थान पहुँचाइबा आमर लक्ष्य तेणु मोर अनुरोध आपण माने समस्ते साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर आदि निरापद स्थान को चली आसंतु आपण जानती कोविड पाई प्रशासन गत 2 मास धरी चपरे अच्छी तेणु मोर अनुरोध बात्या मुकाबला पाई आपण माने इवैक्युएशन रे प्रशासन को पूरा सहयोग करंतु जेहेतु एबे कोविड समय तेणु हमको अधिक सावधान होई काम करबाकु हेबो मोर अनुरोध आपण माने साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर
ଯେଉଁଠାରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ମାସ୍କ ଏକ ସମୟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଡବଲ ବିପଦ ପାଇଁ ଡବଲ ମାସ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୁଇଟି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ଓ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି SHG ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରି ଆସିଛି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ବି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଦୁଇ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହରାଉଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଫଳ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲାରେ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ୟଶର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆମେ ତାଜା ଖବର ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏ କଥା ଯାହା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତ ବାଲେଶ୍ୱରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ପଛକୁ ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କୁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେଇଟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ଆକାର ପାଖାପାଖି 500-700 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ୍ ତାହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ 50-100 କିଲୋମିଟର ଡାୟାମିଟର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଯେ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ତଳକୁ ଯିବ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଯିବ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେହି ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପବନର ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହା ସେହି ସମାନ ବେଗ ସମାନ ପରିମାଣ ଏବେ ବି ସ୍ଥିର ରହିଛି ନା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲିରୁ କହି ଆସୁଛୁ ସେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯାହାକି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ 26 ତାରିଖରେ। 27 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
पूर्वर कहुला संध्या बेलू को 26 तारीख दिन स्थलभाग स्पर्श कर आज जो सविशेष जो सूचना आसूँ मध्यान स्थलभाग स्पर्श कर तो मध्यान बोले निर्दिष्ट भाव में कहपर कि कौ समय दिन 12 समय कहो जो तार सर्वाधिक प्रकोप बात्यार जो सर्वाधिक पवन रेग यटा के आरंभ होगा केतटा पर्यंत रत्या स्थलभाग स्पर्श करते समय पर्यंत रहा जमी कहले बात्यार केन्द्र अंचल हूँ पखापाखि 50 किलोमीटर डायमिटर तेणु बात्यार केन्द्रांचल स्थलभाग को अतिक्रम करने 3-4 घंटा लग जाए तेणु आम एराउंड नून कहचु तेणु हुए तो नून रु कि समय आफ्टरनून हो जाए कि नून पूर्व कि समय फोर नून हो पाए एराउंड नून कह सीमित एक्जाक्टली टाइम बताइबा संभवपुर नुहे कि यार प्रभाव सका पाखु 29 तारीख सका पाखु देखा मिल ओडिशा उपकूल में विशेषतः जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जिले में अधिक प्रभाव देखा मिलक 25 तारीख राति पर 60-70 किलोमीटर माने 25 तारीख मध्यरात्रि पर 60-70 किलोमीटर और कस्टनेस 80 किलोमीटर पवन आपणकर यह सब जिला मानक देखा मिल पाए धीरे धीरे बढ़िकी जिते उपकूल अतिक्रम कर नून जस्ट पूर्वर एवं नून पर से ही समय 3-4 घंटा आप 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा पवन रही पाए साधारणतः जिते बात्या उपकूल छुई था तार 6 घंटा आगु प्रबल वर्षा प्रबल पवन होता है उपकूल छुईबार 6 घंटा पर प्रबल वर्षा और प्रबल पवन लग रही था किंतु तापर जिते भर को जाए यह धीरे धीरे दुर्बल हो जाए और पवन वेग कमिज कि जेहेतु यहाँ उपकूल अतिक्रम करने बालेश्वर मयूरभंज हो आम आशा करूँ जामशेदपुर एरिया साउथ ईस्ट झारखंड को जीवार अच्छे तेणु पवन मयूरभंज जिले में अधिक रोक 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा पवन मयूरभंज जिले में अनुभूत हो पाए और जामशेदपुर एरिया पवन अधिक रोक 100-120 किलोमीटर पर्यंत कि पवन सब अधिक हम से समय जिते कि 26 तारीख राति हम कि मध्यरात्रि हम आज्ञा डॉक्टर महापात्र आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथ आपठू जानवाक चाहिए जे आम देखीचे पूर्वर बात्या परवर्त समय बन्या आसे एवं उत्तर ओडिशा रे जिते बड़े आपन कहउचंती जे बात्या परवर्ती समय आभ्यंतरण ओडिशा मयूरभंज एवं झारखंड अंचल रे प्रबल वर्षा रे मध्य पूर्वानुमान करा जाउछि तो यह स्थित रे बन्यार कौनसी आशंका रहुछि कि जे जो नदी गुड़िक आसुछि से अंचल रो बाहरिछि उत्तर ओडिशा आड़क आसुछि तो से नदी गुड़िक रे बन्यार आशंका आसुछि कि वर्षा सेते परिमाण रे हबो कि जे बन्या सृष्टि होई पारे साधारणतः खरा दिन जो सब बात्या आसी थाए से बन्यार आशंका बेसी न थाए कहीं नदी में बेसी पानी न थाए रिजर्वयर से अधिक पानी न थाए कि जदि पोस्ट मनसून सीजन में बात्या आसे से ही समय रिजर्वयर भरिकी थाएसत नदी में पानी भरी थाए तेणु बात्यार आशंका बेसी होता है तथापि सेंट्रल वाटर कमिशन एवं राज्य सरकार कर्तृपक्ष सब अच्छे से नियंत्रण करूँ किंतु जो सहरांचल रही छोट छोट सहर सब रही प्रबल वर्षा फल लो लाइंग एरिया इनंडेसन जल प्लावित हो पाए विशेष उपकूल अंचल जो खालुआ अंचल रही सामुद्रिक ज्वार और ये प्रबल वर्षा दुई जगह मिसिकी जल प्लावित करती डॉक्टर महापात्र किसी दिन पर जून मस मौसुमी आसवा एक पूर्वानुमान कर दक्षिण पूर्व मौसुमी वायु ओडिशा उपर प्रभावित हे तो ये जो बात्या जो मौसुमी आसवा उपरे कौन सी प्रभाव रही शीघ्र मौसुमी आसी पारे का ना विलंबित तो ही पारे से भली कौन सी प्रभाव रही यस रा प्रभाव रे आम एक मॉनिटरिंग करूछु आमर पूर्वानुमान थिला जे 31 तारीख रे बात्याटी केरल उपकूल को छुए मौसुमी वायु केरल उपकूल छुईबो एवं ता आगुरी वर्तमान मौसुमी वायु आंडामान सागर कवर कर सारी साउथ ईस्ट बे बंगाल ईस्ट सेंट्रल बे बंगाल किसी पार्ट मौसुमी वायु आसी सारी बात्याटी जिते 27 तारीख में दुर्बल होपर पुणी मौसुमी वायु तार पूर्वावस्था को फेरी आसे आम आशा करूँ एवं यह मॉनिटरिंग परे गत 2-3 दिन आसंता 2-3 दिन मध्य जमापड़ यार कौन किभली प्रभाव मौसुमी वायु पर भीषण सामुद्रिक झड़ में परिणत होगा पर जो पवन रेगटा बढ़िया ये जो 4 जिला कथा आप कहले यहाँ के अनुभूत हम पवन रेग जो क्षति कला भाया पवन रेगटा रपण 25 तारीख मध्यरात्रि पर मान 26 तारीख आर्ली आवर्स पवन 60-70 और गस्टनेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा हम
एवं से पवन धीरे धीरे बढ़ नबे रु 120 पर्यंत पवन हो सका समय फोरनून आहरी अधिक बढ़ धीरे धीरे नून पाखापाखि पवन 155 रु 165 गस्टनेस 185 किलोमीटर हे तेणु जेकोसी पवन जिते बड़े 90 किलोमीटर हो जाए सीभीयर साइक्लोन स्टॉर्म पवन 60 रु 90 भितर गछ डाळ भांग छोट छोट गछ उपड़ 90 रु 120 भितर मझे मझिया गछ उपड़ एवं टेलीफोन पोल इलेक्ट्रिक पोल बांक कि 120 रु किलोमीटर अधिक पवन होते बड़ बड़ गछ उपड़ एवं इलेक्ट्रिक पोल भांग टेलीफोन पोल भांग मोबाइल टावर एफेक्टेड हो पारे एवं आपणकर सब प्रकार घर प्रभावित हे जमीती किण छपर घर आजबेस्टस घर एवं सहित मटी घर एवं छण छपर घर तेणु 120 रु अधिक पवन जो अंचल रोज से बेसी क्षति हे 90 रु 120 आप गछ उपड़ किंतु बड़ बड़ गछ न उपड़े छोट छोट गछ उपड़ पारे 60 रु 90 भितर आपणकर जो छोट छोट गछ विशेषत कदली गछ अमृतभंडा गछ कि यही सब सजना गछ एम सब बेसी प्रभावित होता है 60 रु 90 किलोमीटर भितर आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महापात्र आमको समय दे विस्तृत भाव में बात्या यश संपर्क में जहाँ सविशेष सूचना अच्छी आमको आम जरिया दर्शकों निकट में पहुँचाई थी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना दौले यश संपर्क में यशर प्रकोप धीरे धीरे जितेबाला उपकूल आड़क मुहा हो प्रकोप बढ़ी बढ़ी चलती बर्षार प्रकोप परिमाण बढ़ पवन वेग बढ़ 25 तारीख अर्थात आसंता काली मध्यरात्र पवन वेग बढ़ा आरंभ हो मध्यान स्थलभाग स्पर्श कर जेहेतु ये यार जो रही चोबड़ा बहुत अधिक रही तेणु व्यापक भाव अंचल यार प्रभाव अनुभूत हे एवं तार जो मध्यभाग रही अतिक्रम करने स्थलभाग अतिक्रम कर 3-4 घंटा पर्यंत अर्थात अपराह्न संध्या पर्यंत पवन वेग लग रही पारे बोली एक पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ आगुक आपण ए संपर्कित खबर पहुँचाइबू कि समय हो कार्यक्रम आउ गोटे छोट विरती नहीं जा तो 26 तारीख मध्यान बालेश्वर निकटे स्थलभाग को स्पर्श कर सामुद्रिक झड़ यश एक कथा किसी समय ते भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दी जाए कथा होते डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी कि महानिर्देशक रही भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा कथा जे बात्या जो तार प्रकोप उपकूलवर्ती जिला गुड़िकरते आरंभ हो सारी आगू यार प्रकोप बढ़ी चल आसंता काली अर्थात 25 तारीख मध्यरात्रि पवन वेग बढ़ पवन वेग बढ़ी मध्यान बेलू स्थलभाग जिते बड़े स्पर्श कर सका समय 26 तारीख सका पवन वेग शीर्ष में पहुँच जो कथा 150-165 किलोमीटर पर्यंत केतक क्षेत्र में 185 किलोमीटर पर्यंत पवन वेग बढ़ आम आपको इमेज मध्यम आपको लगातार देखा ये हूँ बात्यार स्थिति आपड़ देखुं ये बर्तमान ता केन्द्रीभूत वर्तमान सामुद्रिक झड़ ये अंचल वर्तमान रही है धीरे धीरे ता गति कर आगुक कोस्टल उपकूल पर्यंत अर्थात उपकूल को ता धीरे 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 आगुक बढ़ी चलो ये भाव में आप देखुं ये हूँ ग्राफिक्स मध्यम आपको आम देखा चेषा करुचु वर्तमान समुद्र भितर बंगोपसगर में बात्या अवस्थित रही आगू ता धीरे धीरे उपकूल आड़क गति कर बालेश्वर ये हूँ से बालेश्वर अंचल से पाखर रही पश्चिमबंग एवं पूर्व पछुक रही केन्द्रापड़ा भद्रक जिला और ये बालेश्वर अंचल स्थलभाग स्पर्श कर 26 तारीख बेलू ये हूँ आम ग्राफिकाली आपको आम देखापी चाहूँ ग्राफिक्स मध्यम बात्यार स्थित समुद्र भितर यह अवस्था बर्तमान रही आगू आगुक समय बीतवा सहित बात्या उपकूल निकटवर्ती हे एवं 26 तारीख मध्यान समय ता स्थलभाग स्पर्श कर बालेश्वर जिले में बालेश्वर कौ अंचल निर्दिष्ट भाव में जो कह जाए ना बालेश्वर जिले में ही स्थलभाग स्पर्श कर एक कथा किसी समय ते जहाँ सूचना दौले डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग महानिर्देशक तो ये किसी ग्राफिक इमेज जहाँकि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जारी करा कर भाव में रहा
जो आप देखुं कि जो सबुज अंशटी रही जहाँकि देखा जा सबुज अंश जहाँकि सर्वाधिक प्रकोप रवर्त समय ताध्यम धरणर प्रकोप कम प्रकोप ये जो बात्या ये समुद्र जीव स्थलभाग माड़ होगापर कि भाव में ता पूरा अंचल को ता व्याप कौ अंचल पर्यन तार प्रकोप रो सबुज अंचल आप देखु इमेज रे से अंचल रे तार सर्वाधिक प्रकोप र सामुद्रिक झड़ यस मध्यान रे 26 तारीख मध्यान रे स्थलभाग स्पर्श करिवो एवं आज संध्या सुधा ता भीषण सामुद्रिक झड़ रे रूपांतरित हेबा बंगोपसागर रे ता पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिग को गति करूछि बालेश्वर निकट रे स्थलभाग स्पर्श करिवो एक कथा स्पष्ट होई सारिछि ओडिसा ऊपर को विपद अधिक रहिछि लोक माने सचेतन अछंती लोक माने एवं सरकार मिलित भाव में जनभागीदारी बात्यार मुकाबला हबो एक कथा आशा करा जाउछि पूर्वर अनेक विपत्तिर ओडिसावासी सामना करिछन्ते एवं ए विपत्ति को मध्य साहसर सहित धैर्य सहित मुकाबला करिबे ओडिसावासी आगुकु मध्य बात्या यस संपर्कित अपडेट खबर आपनको पाखरे परवर्ती बुलेटिन गुडी करे पहुंचाइबो किंतु वर्तमान पय समय होइछि कार्यक्रम को एठ रखबा नमस्कार।